हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और आज 13/11/2019 में गिरावट दिख रही है इंडेसिस में। उसमें से जो बैंक निफ्टी है उसमें भी गिरावट अच्छी खासी आई है। तो अब बैंक निफ्टी में गिरावट आ रही है तो दिग्गज शेयर SBI में भी नीचे की तरफ है। लगभग 3-3.5% नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। तो इस शेयर के बारे में जानकारी करने की कोशिश करेंगे। अगर ये गिरावट आने वाले दिनों में बढ़ती है या शेयर यहाँ से लुढ़कता है तो कहाँ पे बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार लगभग 250, 255 के आसपास, 240 से मान के चलिए उसके आसपास से काफ़ी अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिया। लगभग 280 से 290 तक जाने की उम्मीद थी, तो उसने फिर वहाँ से भी 10% ऊपर की तरफ दिया है। अगर ये आने वाले दिनों में अगर बैंक निफ्टी में गिरावट होती है, थोड़ा सा करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो हो सकता है कि फिर SBI भी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, उसका लेवल भी जानने की कोशिश करेगा। और कुछ खबरें जैसे RBI के थ्रू क्या मामला चल रहा है आजकल आने वाले दिनों के लिए, उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर हैं, जैसे SBI दिग्गज शेयर रहा है काफ़ी, क्योंकि जो बड़े हुए हैं वो गिरेंगे भी, तो हो सकता है कि उसमें से SBI भी रहे। तो अभी फिलहाल 307.80 रुपये में ये बंद हुआ है। तो सबसे पहले जो खुदरा महंगाई दर है, लगभग हो सकता है कि 4% के आसपास रहे। जो रेट कट है उसको हो सकता है कि आने वाले जो बैठक होगी RBI की उसमें रेट कट ना हो। और दूसरा ये है कि SBI ने खुद बोला है कि इस क्वार्टर का जो ग्रोथ रहेगा लगभग 4.2% रह सकता है, और लगभग 5% इस फिजिकल ईयर में रहने की उम्मीद है। तो इसके बिहाफ पे अगर देखें तो स्टॉक्स में थोड़ा सा हो सकता है करेक्शन रहे। और जो Q2 का रिजल्ट था उसमें हमने देखा कि वन टाइम इनको गेन हुआ था, उसमें से भी एक न्यूज़ है आने वाले दिनों में ये अब फिर एक स्टेक सेल करेंगे, तो उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट होगा तो उसमें ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बट इस शेयर को थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहना चाहिए, और एक एक साथ पैसा लगाने से अच्छा है कि जैसे गिरावट होती है तो थोड़ा थोड़ा खरीदिए, और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जो लंबे समय के लिए SBI को लिए हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए 40-50 रुपया ऊपर नीचे हो रहा है। बट आजकल जिस तरह से ट्रेड हो रहा है तो उसको अगर आप 20-30% 1-1.5 महीने में या 2 महीने में मिलता है तो प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। SBI ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 25-30%, आप 250 के आसपास से 320 तक गया है। तो सबसे पहले इसका जो आज का ट्रेड रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 307 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है ये, और 313 का इसने ब्रेक करके नीचे की तरफ आया है। अगर ये 305 और 304 को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो आपको बहुत तेजी से फिर 300 से नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। आज का जो ये क्लोजिंग, अगर ये 305 से नीचे की तरफ अगर क्लोज होता है तो इसको मान के चलिए फिर ये कल परसों और भी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। और इसका ओपन जो हुआ था 316 में हुआ है, और हाई बनाया था 318.60 रुपये में। काफ़ी लोग इसको ऊपर की तरफ का टारगेट दे रहे थे, बट अब 1 महीने में अगर 30% बढ़ा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आने की उम्मीद रहती है। और फिर इंतज़ार भी करना चाहिए कि एक बार अगर ऊपर की तरफ चला गया या प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है तो कुछ करेक्शन हो, फिर से मौका मिलना चाहिए इन्वेस्टर्स को। अब देखिए ये ओपन हुआ था 316 में, और 318.80 रुपये हाई है, और क्लोजिंग भी 318.25 रुपये हाई है। अब इसका जो ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा यही रेजिस्टेंस रहेगा, और जब ये इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको फिर वहां से अच्छा खासा तेजी मिल सकती है आने वाले दिनों में। और प्लस देखिए इसका जो अभी अभी जो लो बनाया है 306.30 रुपये, अगर इससे भी नीचे की तरफ ये बंद होता है, जैसे कि मैंने बताया अगर 305 से नीचे की तरफ बंद होता है टेक्निकली, तो अब आपको फिर ये और कमजोर होने की उम्मीद रख सकते हैं। फिलहाल देखिए अभी इसका लो जो है 244 के आसपास, इसी के आसपास से एक वीडियो भी बनाने की कोशिश की थी, काफ़ी व्यूअर्स ने 265 270 के आसपास लिया था, बट अब उन्होंने हो सकता है कि 200 उसी के आसपास या निकल गया हो, जिन्होंने रखा हो तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। और अभी और जो न्यूज़ है इसकी वो है जो क्रेडिट कार्ड का IPO आएगा, उसमें से 8,000 करोड़ की जो स्टेक सेल होगी तो उसमें से उनको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी इंतजाम कर रहे हैं ये कि अगर कोई कमी पेशी रहती है या कोई एक्सपोजर बढ़ता है
तो उसके लिए फिर इनको 8,000 करोड़ रुपये भी मिल सकता है, उसके हिसाब से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और ये न्यूज़ पहले थी जब 300 के आसपास था, तो उसमें से न्यूज़ थी, तो उसकी वजह से काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ गया था। जब ये 7% ऊपर की तरफ रिजल्ट में बढ़ा था, पिछली बार SBI की लाइफ में इन्होंने बेचा था, तो वो स्टॉक काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर वो स्टॉक अगर नीचे की तरफ आप मिलता है तो उसको भी बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। SBI का जो सब्सिडरी कंपनी है SBI लाइफ और इंश्योरेंस, वो भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आने वाले दिनों में उसमें भी तेजी रहेगी। फिलहाल SBI की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें टेक्निकली ये है कि आप अगर ये देखें, आज ये नीचे की तरफ आया हुआ है लगभग 3-3.5%। तो इसको अभी आप आज जो ट्रेड हो रहा है 13/11/2019 को, अगर ये 305 से नीचे की तरफ बंद होता है तो ऊपर का जो स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस आप मान के चलिए 313 का, 313 से ऊपर की तरफ अगर ट्रेड करेगा 10-15 मिनट तब आपको ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। उससे नीचे अगर लगाना चाहते हैं तो लगभग 310 और 311 के आसपास, फिलहाल 313 का मान के चलिए वहाँ पे आसपास आप देख सकते हैं। अगर ये 305 से नीचे की तरफ आपको दिखेगा तो 290 और 281 के आसपास आने की कोशिश करेगा, तो ये नीचे का लेवल रहेगा। वहाँ पे आता है तो फिर कुछ बाय करने की कोशिश करनी चाहिए, और उससे फिर उस वक्त क्या हालात होते हैं, किस तरह का ट्रेड हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिर देख सकते हैं और आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। और इसमें SBI में लोअर लेवल पे इसको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल अभी ये 250 से 320 तक गया है, तो हो सकता है कि आप इसको नीचे की तरफ लगभग 300 से नीचे की तरफ अगर को ट्रेड करता है तो 280 के आसपास भी ये आने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी में काफ़ी गिरावट रही है, लगभग 590 पॉइंट नीचे की तरफ इस वक्त ट्रेड हो रहा है। आप देखना पड़ेगा क्लोजिंग में ये लगभग 30,524 में इस वक्त चल रहा है। अगर ये 30,000 को अगर 30,100-200 के आसपास आता तो हो सकता है कि ये जो 30,000 का लेवल है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आए। तो जैसे देख रहे हैं कि आज 500-600 पॉइंट अगर नीचे की तरफ है और SBI लगभग 307 के आसपास है, तो अगर 30,000 ये अगर ब्रेक करता है तो SBI भी आपको नीचे की तरफ मिलेगा और बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ मिलेगा। फिलहाल देखिए, इसमें SBI को अगर आप बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है या प्रॉफिट बुक नहीं किया तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और कुछ अपने हिसाब से जो ट्रेड करते हैं लगभग 2-3 महीने के लिए लेते हैं तो उनको उस तरह से काम करना चाहिए। और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा भी है, बैंक निफ्टी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो यहाँ पे ये व्यू रहेगा कि अभी थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। इसको 300 के नीचे आपको मिल सकता है आने वाले दिनों में SBI, और उसका रीज़न भी बताया कि हो सकता है महंगाई दर अगर बढ़े तो फिर रेट कट भी ना हो, और प्लस जो है जो GDP का ग्रोथ रहेगा क्वार्टरली वो कमी पेशी रहेगी उसमें, तो ये इस तरह का आंकड़े आ सकते हैं तो उसमें गिरावट हो सकती है फाइनेंशियल सेक्टर में। और हो सकता है कि आपको जिस तरह से निफ्टी लगभग 12,000 के आसपास है, निफ्टी में भी आज 73 पॉइंट नीचे की तरफ आ गए। अगर ये आज 11,800 के आसपास अगर बंद होता है तो आपको 11,700 के आसपास आने की कोशिश करेगा, और जो बड़े स्टॉक है उनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और जो जब ये इस एक तरह से आप मौका भी देख सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। और हमेशा जो देखिए, जब गिरावट रहती है तो उन स्टॉकों को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, और आप बॉटम पे तो नहीं खरीद पाओगे क्योंकि जिस तरह से बढ़ता है स्टॉक, देखिए SBI भी लगभग 280-290 तक जाने की उम्मीद थी अक्टूबर के महीने में, और वहाँ से भी अच्छा खासा 10% बढ़ गया। तो ये एक मार्केट है, और उसमें आप एक डिसाइड करना पड़ता है कि हमको कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे हम सेल करेंगे। मेन चीज़ ये एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि हमको बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है। अगर आपको ये यहाँ पे बाय करना है तो सेल कहाँ करेंगे ये भी सोचिए, कि अगर यहाँ पे अगर हम बाय करेंगे SBI एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं 307 में, और इंट्राडे की बात अलग है, अगर आप फंस गए तो उसमें से फिर आप 1-2 रुपये में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, और वेट भी करना पड़ेगा और मार्जिन में काम करते हैं तो उसकी बात अलग है। जो थोड़ा सा जैसे 1-2-3 महीने के लिए अगर आप वेट कर सकते हैं तो उसके हिसाब से आप सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम जहाँ भी खरीद रहे हैं तो सेल कहाँ करेंगे। तो ये एक इस तरह से इन्वेस्टमेंट भी आप अपना सकते हैं। और SBI का जो अभी वीडियो बनाने का ये था कि आज इसमें गिरावट आई है और बैंक निफ्टी में भी गिरावट आई है, मेन ये था। और जितने भी व्यूअर सब्सक्राइबर अगर आप SBI में काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में ये नीचे की तरफ मिले, तब कुछ बाय करने की कोशिश करनी चाहिए।
तो ये नीचे का लेवल लगभग अगर ये 290 को अगर ब्रेक करता है, 300 या 290 को ब्रेक करके 281 का एक लेवल देख सकते हैं, उसके आसपास तक आने की कोशिश करेगा। आप लोग इस YouTube चैनल को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं और फिर कोई नया स्टॉक लेके आएंगे। और आप इस SBI के स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, तो कुछ व्यूअर्स को भी आइडिया लगेगा। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।